रोहित यादव की वर्णी में सौ नोट गयो यहाँ आए पाई सौ रित के बस भैया भैया रा खत्म मानो हमारे गंगा यमुना में जल बाढ़े कैसे बढ़े कुटुम परिवार जुग जुग जिया अमर फल भोग रक्षा करे भगवती माई जुग जुग जिया अमर फल भोग विश्वामित्र संकल्प करने के बाद में निकले आए। इधर कभी कल्पना करता है एक दिन इंद्र के यहां पे दरबार लगा हुआ है जिसमें विश्वामित्र और वशिष्ठ ये दोनों लोग बैठे हैं। बात आने लगी वशिष्ठ को, विश्वामित्र ने जवाब दिया, वशिष्ठ मैंने सुना है कि मृत लोक पे एक हरिश्चंद्र नाम का बहुत बड़ा दानी हो रहा है। वशिष्ठ कहने लगे सुनो बुद्धानी मांगे से दान की कौन कहे मांगे से दे दे अपनी देह। बुद्धानी कोई और नहीं है वो हमारा सेवक है हमारा मित्र है शिष्य है और किसी के शिष्य की पुत्र की प्रशंसा हर किसी को हजम नहीं होती है। आग बबूला हो गए विश्वामित्र जवाब दिया वशिष्ठ एक बात सुनो एक बात नहीं तुम्हें मालूम कैसा तो होता है मृत होता है पर सीमा सबकी रहती है अब पगला भानु के दिन पाई की नदिया दी चढ़की बहती है आप बबूला हो गए। विश्वामित्र कहने लगे वशिष्ठ एक बात सुन वशिष्ठ एक बात सुन इंसान बसे और सोना कसे लला पाती राम कसौटी साफ कहती है ये पीतल है ये सोना है कसौटी साफ कहती है ये पीतल है ये सोना है कसौटी पर खरा उतरे पही तो असली सोना है
पूरा भेष बनाने के बाद में विश्वामित्र वहां पहुंचे हैं जहां हरिश्चंद्र का सुहावना बाग है। बाग में जब पहुंच गए तो माली लोगों ने देखा, एक पल नहीं हुआ, ले बांस चौधरी आए हैं बन सबई मार गिराए हैं, ले स्वामित्र सुकर बन के बाग में पहुंच गए। इंद्र भी मदद कर रहा है, काले काले बादल मंडराने लगे, आधी चलने लगी, पानी बरसने लगा। ऐसा ही नहीं, भयंकर तूफान आधी रविंद्र भैया हुआ ऐसा